हूँ, जब मैं गाउन मेरे डिजाइनर ने मुझे दिया तो आई स्वेयर मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये गाउन इतना ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि जब आप गाउन पहनते हो 25 किलो का इतना वेट था, उस पर डायमंड लगे हुए थे पूरे। लेकिन जब मीडिया की सारी लाइट मेरे गाउन पे आई तब मुझे पता चला, ओ शिट, इसमें तो मेरा पूरा बॉडी दिख रहा है। आप बताओ, मेरी रोजी रोटी की कसम, मेरी माँ की कसम, मैं कभी कल सुबह का सूरज ना देखूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इतना ट्रांसपेरेंट ड्रेस होगा, वरना मैं कभी नहीं पहनती। मैं एक ग्लैमरस समझ के पहन के आई, बिकॉज इंटरनेशनल एक्ट्रेसेस वैसे ड्रेसेस पहनती है, तो मैंने भी वैसे पहनना चाहा कि 56 छुरी का लॉन्च है तो आई शुड लुक ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी शादी के बाद मैं ऐसा कुछ भी वल्गर पहनूं, या मेरे जिससे मेरे हस्बैंड को, मुझे दुनिया से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी मीडिया से प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ, उनके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, तो मैं मेरे हस्बैंड को और मेरे इन-लॉज को कभी हर्ट नहीं कर सकती। फिर भी मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और मेरी गलती नहीं थी, वो सारी लाइट जो मीडिया के कैमरे की लाइट मेरे बॉडी पे आई और वो ट्रांसपेरेंसी मेरी कॉस्ट्यूम्स की दिखी। इनके अंदर जो है वही चीज को मैं दिखाना चाहती हूं। जैसे एक छुरी वक्त पे सब्जी काट सकती है, लेकिन वही छुरी जब औरत पे कोई जुल्म हो तो फिर वो कैसे क्या कर सकती है, आप जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 56 छुरी पे मूवी भी बन रही है, और उसके लिए आप लोग इस गाने को बहुत सपोर्ट कीजिए। आने वाले समय पे बहुत सारे सस्पेंस है, बहुत सारे सरप्राइज है आप सबके लिए। आई लव हर, और इन्होंने थैंक यू कि 56 छुरी गाना बनाया और आपकी वजह से मेरी शादी हुई। नहीं, शादी ये तो डेस्टिनी होती है, ये हमारी किस्मत है, हमें नहीं पता किस्मत हमको कहाँ से कहाँ लेके जाते। बस मुझे एक बहुत अच्छा गाना काम करना था, और आप सबके लिए सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल लिरिक्स, ओरिजिनल म्यूजिक एंड ओरिजिनल वन एंड ओनली आइटम गर्ल। और इस गाने को मैंने अच्छा से निभाने की कोशिश की। अगर आप सबको बहुत अच्छा लगा इस गाने को, खूब सारा प्यार, लाइक, शेयर, धूम मचाइए। इस गाने को ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, और बहुत सारा इस गाने को हिट 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 सुपर हिट कीजिए। बनती है जो राखी जी की बनी है ना। मैंने उन्हें कहा कि एक बार तो आइए, तो उन्होंने कहा 2020 में जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो वो सामने आएंगे। हाँ, बच्चों के साथ। मतलब अपने पति के साथ ही एक बार फिर से शादी करूंगी मैं। नहीं, एक्चुअली वो नहीं आना चाहते हैं, उनको ऐसा है कि उनको बस यही है कि मीडिया वाले सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं, बातों का बतंगड़ बनाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं छींकती भी हूँ तो भी मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन के साथ शादी करना कितनी बड़ी बात है। तो वो बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ही गाय और बहुत ही सीधे साधे लोग, और बहुत ही अच्छे लोग, साधारण लोग हैं, और वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि वो मेरे पति के साथ मैं जाती हूँ तो सब लोग मेरी सेल्फी लेते हैं, तो वो बहुत डरते कि मैं किसी के साथ सेल्फी नहीं ले सकता हूँ। तो मेरे इन लॉज लोग बहुत सीधे साधारण लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सिंपल मैन है। नहीं, मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले बेटे हैं, उनकी दो सिस्टर, एक छोटी एक बड़ी। नहीं, दीपक कलाल ने बहुत बदतमीजी करी है, और मेरे हस्बैंड ने कल ही उनको सू करने की पूरा उनको धमकी दी, और उनको कहा है कि अगर तुम ऐसे, अब वो राखी नहीं है, अब वो मेरी वाइफ है, अगर तुम फालतू की बातें करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। और मतलब बहुत ही उनको बहुत ही सुनाया, तब जाके फिर दीपक कलाल ने अपॉलोजी की वीडियो डाली, बिकॉज किसी भी महिला के लिए ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए, बच्चा है, ये है, वो है, एक मजाक था। मैंने दीपक के साथ जो मीडिया में स्पूफ किया था वो शादी से पहले था, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है, अब मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं दीपक से भी हाथ जोड़ के कहूंगी कि कोई भी फालतू की बात मीडिया में ना करे मेरे खिलाफ, क्योंकि अब मेरा ससुराल है, मेरा पति है, और आगे मेरे बच्चे भी होंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड को कहीं से भी तकलीफ हो। तो दीपक फालतू की बातें ना करे, आई रिक्वेस्ट यू।